सैगी हैकर अगेन जो मैंने वीडियो देखा है उसमें यस डेफिनेटली दो बीजीएमआई दिख रहे हैं विच इज अदरवाइज इम्पॉसिबल. अपेरेंटली एक बीजीएमआई आता है क्रैक्ट वर्जन जिसमें हैक्स प्रीलोडेड होते हैं और वो हैक्स के साथ ही वो गेम चलता है. तो यस इट इज सुपर शेडी कि उसके फोन में दो बीजीएमआई दिख गए. दो बीजीएमआई आईफोन में खोलना इम्पॉसिबल है. आप जाके ट्राई कर सकते हो दोनों अगर सेम, एक तो सेम वर्जन आप आई थिंक इंस्टॉल ही नहीं कर सकते, अगर कर भी रहे हो तो क्यों कर रहे हो. तो सुपर शेडी सुपर हल्का सा है, मेरे को भी डाउट है उस चीज पे. बट देन अगेन आई डोंट नो इफ इट इज राइट टू ब्लेम द टीममेट्स और द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उनके जो ऑर्गेनाइजेशन के ओनर है आई डोंट नो उनका नाम बताना चाहिए कि नहीं, उन्होंने कभी रिवील किया है कि नहीं, बट जो भी है जो उनके ओनर है उन्होंने बीजीआईएस के टाइम पे मेरे साथ कॉन्टेक्ट किया था एंड वी हैड अ लॉन्ग फोन कॉल अबाउट इट, अबाउट द हैकर्स इन द सिनेरियो एंड हाउ वी कैन एलिमिनेट देम. हम लोग ने काफी बड़ा डिस्कशन किया था. तो 101% आई नो कि द ओनर और द ऑर्गेनाइजेशन डजंट सपोर्ट दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इफ इफ सैगी इज हैकिंग. आई नो फॉर अ फैक्ट अगेन इतना डेवलप हो गया है ना हैक्स अभी ये टाइम पे कि आई डोंट नो इफ इट इज पॉसिबल कि अगर मैं आप इमेजिन करो ना यार, अगर मेरे बाजू में भी बंदा बैठा है और उसके फोन में दो बीजीएमआई है तो मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा यार, मतलब बहुत डिफिकल्ट है वो मालूम करना. इसके लिए आई थिंक देर इज ओनली वन थिंग दैट ऑर्गेनाइजेशंस आई थिंक कैन डू इज दैट चेक देयर फोन्स, प्लेयर्स के फोन्स चेक करना चालू करो एवरी फ्यू डेज. दिस इज द ओनली सोल्यूशन आई कैन थिंक ऑफ. मैं खुद चालू करने वाला हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू टेक अ रिस्क. खुद मैं चालू करूंगा, जितने भी फोन्स प्लेयर्स को दिए हुए हैं सरप्राइज चेकिंग करूंगा. अच्छा मैच कोई जाएगा तो उसके बाद मैं चेक करूंगा. डेफिनेटली आई एम गोइंग टू लुक इनटू इट एंड आई थिंक ऑल ऑर्गेनाइजेशंस शुड डू द सेम. इज इट राइट टू ब्लेम हिज टीममेट्स? इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ हैक ही वॉज यूजिंग. इफ ही वॉज यूजिंग इट, इफ इट वॉज जस्ट अ एम हैक देन आई डोंट नो इफ टीममेट्स कैन टेल. टीममेट्स नहीं बता सकते, कैसे पता चलेगा? अगर कोई ESP वाला हैक था तो डेफिनेटली डाउट आ सकता है बेस्ड ऑन हिज कॉल्स कि यहाँ पे बंदा यहाँ पे नहीं है. तो बेस्ड ऑन हिज कॉल्स डेफिनेटली टीममेट्स को पता चल सकता है. बट आई डोंट नो अबाउट एनीबडी एल्स इन एनिग्मा. अवी आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम. आई डोंट नो इफ अवी विल प्रिफर और सपोर्ट दिस काइंड ऑफ बिहेवियर फ्रॉम वन ऑफ हिज टीममेट्स. तो आई डोंट नो इफ अवी कैन डू दैट. I have known him for a long time. I definitely मेरे को मैं वो बंदे को जानता हूँ. I'm pretty sure he would rather come last in every event than have his teammate hacking. क्योंकि ये पुराने बंदे हैं. पुराने बंदे मुझे नहीं लगता ये चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे क्योंकि पुराने बंदों को वैल्यू पता है कि क्या होती है e-sports की वैल्यू और हैक करने में क्या कर हो सकता है आपके करियर के साथ, ये भी इनको पता होता है. तो आई डोंट नो पुराने बंदे इस चीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं. तो जस्ट बिकॉज वो पुराना बंदा है मेरा डाउट उस बंदे पे तो डेफिनेटली है नहीं कि उसको पता था फिर भी वो करवा रहा था. अगेन दिस इज इफ्स एंड बट्स. इफ सैगी वॉज हैकिंग डेफिनेटली जो प्रूफ है, जो दो BGMI दिख रहे हैं उसके फोन में 101% वो बहुत शेडी लग रहा है क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है. यू कैन नॉट हैव टू बैटल ग्राउंड कैप्स इन योर फोन, स्पेशली आईफोन में. तो डेफिनेटली मैं तो अभी यही मेरे को सोल्यूशन लग रहा है क्योंकि एंटी चीट जब तक नहीं आ रहा क्राफ्टन की तरफ से, आई थिंक यही एक सोल्यूशन है कि एज एन ऑर्ग ही हम सोच के ही चले कि भैया हमारा कोई भी प्लेयर हैक कर सकता है और फिर उनके फोन चेक करते रहे. TSM वाले को भी मैंने बहुत टाइम पहले यही सलाह दी थी और वो चीज़ वो करता भी था. आई थिंक वो अभी भी करते हैं क्योंकि क्या कैसे भरोसा रख सकते हैं, मतलब नहीं रख सकते. अभी कोई भी उठ के अगर ये सब कर रहा है तो क्या पता, मतलब. तो फोन्स डेफिनेटली चेक होते हैं कितना भी ट्रस्ट हो प्लेयर पे. ही इज डेफिनेटली नॉट हैकिंग. आई डोंट नो इफ यू कैन से दैट. अगेन इफ समबडी कैन टेल मी वाई there were two battleground mobile apps in his phone, then maybe I will have a change in my opinion. But जितना मैंने jailbreak वालों से या जितना भी मैंने community के बंदों से बात किया है जिनको बहुत ज़्यादा knowledge है इस चीज़ के बारे में, उन्होंने यही बोला है कि यार possible नहीं है दो BGMI एक phone में होना, जो दिख गया उसके phone में गलती से screen पे जो भी है. तो वो तो नहीं होना चाहिए, technically वो नहीं होना चाहिए. अगर कोई मेरे को समझा सकता है कि वो क्यों होता है या कैसे हो सकता है तो I'll change my opinion. One, or I think Sagi tha bhi bootcamp pe tha bhi nahi, if I'm not wrong. So I cannot say if he's definitely a hacker, but the proof, jo ek singular hi proof hai, kuch usme software wagera dikh nahi raha, but jo ek singular proof hai, jahan pe do BGMI dikh rahe, I think that is just simply very shady. Matlab obviously uske upar usko ban ya usko hum log criminal hai bol nahi sakte, but वो एक चीज बहुत ज्यादा शेडी थी.
और कुछ नहीं, मतलब जेल ब्रेक करके ही आप दो एप्स डाल सकते हो। और दो आप क्यों डालोगे, आप दो बैटल ग्राउंड मोबाइल के एप्स आप क्यों डालोगे अपने फोन में? व्हाट इज द सेंस इन दैट? क्यों आप करोगे वो चीज?